हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन एक्सप्लेन्ड। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेजोरिटी में हिंदू है, इलेक्शन होगा तो हिंदू जीतेगा, लॉ बनाएगा तो वो भी हिंदू बनाएगा, तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? जिन्ना ने तो मौलवी और मौलाना का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको ही क्रिटिसाइज कर दिया। ट्रेनों में लाशें भर के भेजी, बंटवारे में ऑफिस के जो टाइपराइटर और टेबल थे उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी आधे आधे बांट दिए इन लोग। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, 6% लीडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे हिंदू रखे हैं इन्होंने। जिन्ना तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ में ही नहीं रह सकते, तो फिर पंजाब और बंगाल के हिंदू क्यों चाहिए? जिन्ना ने कह दिया था कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैं हूं, तुम सबके लीडर हो, तो हम क्या करें, हम सब जॉब छोड़ दें? और सेम टाइम पे सावरकर ने बुक लिख के हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर दी और RSS को भी सारे लीडर ने सेम ईयर में बना दिया। अगर ऐसा है तो कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, वोट भी खाली मुस्लिम करेगा, हिंदू वोट नहीं कर पाएगा। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि कैसे एक मसाले का बिजनेस करने आई छोटी सी कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था और फिर क्या क्या करके हमने उनसे आजादी ली, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जब आजादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी उस टाइम पे कि इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा, और बड़े से बड़े दिग्गज जो थे वो इस चीज को रोक क्यों नहीं पाए। आज 77 साल हो चुके हैं इस पार्टीशन को, लेकिन आज भी आपको लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। गलत। क्या सच में ऐसी कोई चीज हो सकती थी जो इस पार्टीशन को रोक देती? एक्चुअली इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, जब भी हमारे देश के पार्टीशन की बात होती है तो हमारे इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है, पार्टीशन करा तो फिर प्रॉपर पार्टीशन होना चाहिए था ना। नेहरू और गांधी जी, एक रिलीजियस बेस्ड होगी, एक सेक्युलर हो गई कंट्री, ऐसे थोड़ी होता है। या फिर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ये जो मैटर था ये वहीं पे सॉल्व हो गया होता। आप अगर इस मुद्दे पे कभी किसी से बात करोगे तो हर कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे, ये तो नेताओं ने मजबूरी बना दी थी। लेकिन जब उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई भी पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसी थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया था। देखिए, इस पार्टीशन के बाद कई लोग सड़क पे आ गए थे, अपना घर जमीन काम छोड़ के उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन आज भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वही वैल्यू है। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें से स्टॉक मार्केट एक है। अब देखिए, स्टॉक किस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले इनकी बात करें तो आपको एक्चुअल डिटेल पता हो। तो देखिए, ये है कराची, और कराची के इस खरादर डिस्ट्रिक्ट के इस घर में, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो इस घर में एक जिन्ना भाई पूंजा नाम से एक बिजनेसमैन रहता था। और इस बिजनेसमैन के यहाँ पे 25th of December 1876 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पूरी सिचुएशन का सबसे मेन करेक्टर है। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अपना लिया था। इनके दादा पहले खोजा कास्ट से थे, खोजा कास्ट के लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम रिलीजन अपना लिया था, और फिर आगे जिन्ना जो थे उन्होंने भी मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो किया। अब जैसे-जैसे जिन्ना बड़े होने लगे तो जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, और फिर इसके बाद ये लंदन चले गए और वहां जाके अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगे। अब काफी टाइम तक जिन्ना लंदन में रहने के बाद, वहां पे अपनी पढ़ाई करने के बाद, इतना पढ़ लिखने के बाद, वो भी दिमाग में देखो, ईयर 1896 में कराची वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये कराची पहुंचते हैं उसी दिन इनकी फैमिली से इनको पता चलता है कि इनके जो फादर हैं, जो बिजनेसमैन थे, उनको पैसे का भारी नुकसान हो गया और इनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया। तो ये सारी चीजें जब पहुंचने के बाद इनको पता चलती हैं तो जिन्ना जो थे वो अपना कमाने का इंतजाम जो है वो शुरू कर देते हैं, और ईयर 1900 आते आते बॉम्बे में जाके अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे जो आजादी की लड़ाई वगैरह चल रही थी इससे बिल्कुल दूर थे, और गांधी जी जो थे वो भी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे। तो कहने का मतलब है कि जिन्ना और गांधी जी उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की स्ट्रगल चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे, और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो दोनों हैं आगे चल के कितना बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का जो मैप था वो ये था, ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे, और बाकी ये जो पूरा येलो एरिया है इसको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और ये जो येलो एरिया है आगे चल के इसी एरिया का पार्टीशन होना था। बाकी प्रिंसली स्टेट क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रूल करते हैं, सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम सिर्फ
सिर्फ पार्टीशन की बात करेंगे। उस टाइम पे करीब टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें से 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे। और इसमें से भी ब्रिटिश इंडिया का ये जो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हो, इसमें जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57%, बंगाल में 55% मुस्लिम थे और बाकी जितनी जगह थी वहां पे हिंदू। पंजाब एरिया में होंगे ना? मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सेंसस का जो डेटा था यही इस पार्टीशन की आगे चल के जड़ बनता है। अब देखिए काफी टाइम तक ये सारी चीज चलती है, इसके बाद ईयर आता है 1903 और फ्रीडम फाइटर जो थे इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी जो थी वो एक साथ मिलकर अंग्रेजों को परेशान कर रही थी। और इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत जो ब्रिटिशर्स के सामने आ रही थी वो बंगाल से आ रही थी। उस टाइम का बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा था, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब आता था उसमें। जितने भी फेमस पॉलिटिशियंस थे, लॉयर, इंटेलेक्चुअल्स, बंगाल से ही ब्रिटिशर्स को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब बन चुका था और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे इस पूरे जगह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। अब होता क्या है कि जब ये सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो इसके दो साल बाद यानी कि ईयर 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन बंगाल से डील करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनको वहां पे रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडियंस को रिलीजन के नाम पे बांटा जा सकता है और अगर ये किसी तरीके से इनकी यूनिटी ब्रेक कर देते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग भरी हुई है सारे इंडियंस में ये रिलीजियस हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन जो थे वो जुलाई 1905 को एक अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि बंगाल जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका एरिया बड़ा है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। और बंगाल जो था एज अ होल पूरे बंगाल के अंदर हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन बंगाल का जो ईस्ट साइड था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बांट दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, ग्रैंड तरीके से बंगाल को डिवाइड किया। उसने जो बंगाल का ईस्ट एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, आज की डेट में वो बांग्लादेश है, और बाकी जो बचा बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम थे वो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल बनते ही मेजॉरिटी में आ गए थे, और हिंदू जो पहले मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी बन गए थे ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वहां ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, वहां जैसे पहले था वैसे ही रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग भी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था। इंडिपेंडेंस वाज नॉट येट ब्रॉट टू पीस, रिजॉइसिंग टर्नड क्विकली इनटू हॉरर एंड मॉर्निंग। थ्रूआउट दिस वास्ट लैंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स सीक सेफ्टी इन देयर सराउंडिंग्स। अब ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इस चीज को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया कि बंगाल का जो पार्टीशन है ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे उनको इस पार्टीशन से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे पहले एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, धरने दिए जाते थे, इस बार ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसको लेके जो धरने वगैरह दिए जा रहे थे ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, एक सेगमेंट था मुस्लिम्स का, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पे एक साथ आंदोलन करने की बजाय ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है, पूरी पॉपुलेशन के 26% मुस्लिम्स हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.59% मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हैं। और डिस्कशन ये था कि कल को अगर अंग्रेज चले भी गए कि लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं लेकिन मुस्लिम्स जो हैं उनकी तो फिर भी नहीं चलेगी क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इलेक्शंस भी होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, तो आजादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को भांप लिया था, उनको समझ में आ गया था कि ये जो रिलीजियस एंगल उठने लगा ये इस पूरे मूवमेंट को खराब कर देगा। तो उन्होंने अपने हर स्टेप में एक ही स्टांस रखा, वो स्टांस ये था कि उन्होंने ये कहा कि देखिए रिलीजन जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है, रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने हर कम्युनिटी को जाके यही चीज समझाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जिस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेकुलर इंडिया को देखते हैं जिसमें हर धर्म हर कम्युनिटी के लिए जगह होगी, आपको कोई भी डरने की बात नहीं। कांग्रेस ने यही मैसेज कन्वे किया कि नेशनलिज्म और देश जो है वो किसी भी धर्म या कम्युनिटी से बड़ा होता है। इनफैक्ट जो उस टाइम पे धर्म की बात करते थे उनको कांग्रेस वाले कम्युनल बोलते थे, लेकिन ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी और अंग्रेजों का जो प्लान था वो काम करने लगा था। और ये जो टाइम चल रहा था इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, ईयर 1906 में कांग्रेस कलकत्ता के अंदर एक सेशन कर रही है, आग में भीड़ डालेगा, और जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। देखिए थोड़ा सा जिन्ना के बारे में बता देता हूँ आपको, जिन्ना की जो आज इमेज है
उस टाइम पे जिन्ना के जो पर्सनल बिलीफ थे वो बिल्कुल अलग थे। उस टाइम पे जो जिन्ना थे वो सेकुलरिज्म की बहुत ज्यादा बात करते थे, कांग्रेस की सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, और जिन्ना जो थे वो मौलाना थे। जिन्ना का जो लाइफस्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस से बहुत ही अलग था। सरोजनी नायडू जी ने ऑन रिकॉर्ड जिन्ना को एंबेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दिया था, लेकिन आगे चल के सारी चीजें घूम गई। तो आप थोड़ा सा वेट करिए बस। तो अब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन तो कर दिया था, इसको लेके पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो धरने वगैरह दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम टाइम पे जिन्ना की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। और इसी टाइम पे एक चीज और हो जाती है। होता क्या है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल, जो अभी अभी डिवाइड होकर नया स्टेट बना था, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, वहां पे ढाका शहर के अंदर, अभी तो बांग्लादेश हो गया वो, वहां पे मुस्लिम्स की एक मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी। ये हर साल वहां पे होती थी, लेकिन अब क्या था कि डिवाइड हो गया था तो ईस्ट बंगाल के अंदर हो रही थी। इसमें मुस्लिम कौम की जो ग्रोथ वगैरह, इन सारी चीजों पर डिस्कशन होता था। तो इस बार जो ढाका के अंदर ये सेशन हुआ ये थोड़ा सा अलग था। यहाँ के सेशन में डिस्कशन ये हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा कर रही है, ये तो एक हिंदू पार्टी है, पूरे देश में मेजॉरिटी में हिंदू हैं, इलेक्शन होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, सरकार आएगी तो हिंदुओं की आएगी, और फिर जो लॉ है वो भी हिंदू ही बनाएंगे, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन का क्या। तो इस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें हिंदू ज्यादा है, ऐसे ही हम एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम्स की बात को आगे रखेगी, पहले इंडिपेंडेंस तो ले लो, जितने भी मुस्लिम्स उनका रिप्रेजेंटेशन करेगी। और यही वो टाइम था जब 30th of December 1906 को इन्होंने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बना दी। इसका एम ये था कि जो मुस्लिम्स की बातें हैं उनको आगे रखा जाएगा और मुस्लिम्स को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, इसको लेके अपनी बात आगे रखेंगे। और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बस इन्होंने पार्टी बना दी थी, एक प्लान तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। पहले क्या होता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया के हिंदू और मुस्लिम्स किसी की भी बात हो सारी बातें ब्रिटिशर के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आके खड़ी हो गई थी और अंग्रेजों के सामने अलग से डिमांड रखती थी। तो मुस्लिम लीग जब बनी तो इन्होंने अंग्रेजों के सामने ये डिमांड रखी कि मुस्लिम्स को अब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है और इसकी डिमांड क्यों रख रहे थे मुस्लिम लीग वाले। देखिए, जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो कोई भी खड़ा हो सकता है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जो कम्युनिटी नंबर्स में ज्यादा होती है, जिसको वो चाहते हैं वही इलेक्शन बार बार जीतता है, और ऐसे में जो माइनॉरिटी होती है जिसके लोग कम होते हैं उसके चुने हुए लोग कभी पावर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो वोट ही काउंट होंगे। तो मुस्लिम लीग ने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी, इसमें ये कहा इन्होंने, कुछ जगह पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। इसमें होगा ये कि वहां पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और जो वोट करेंगे क्या गलत, सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, बाकी कोई और नहीं करेगा। मान लो एक एरिया है, बंटवारा तो भी हो गया देश का, जिसमें से 60 मुस्लिम हैं और 40 यही बंटवारा, और क्या बंटवारा। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होगा तो ये जो 60 मुस्लिम्स हैं सिर्फ यही वोट करेंगे, बाकी के जो 40 लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, और जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो कितनी नाइंसाफी खड़े होंगे। इससे होगा ये कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भी पावर में आएंगे, और अंग्रेज ऐसे ही सिचुएशन चाहते थे उनका तो हो गया सक्सेस। इंडियन कम्युनिटी पावर के चक्कर में आपस में उलझे रहे। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि क्या उस समय पे इलेक्शंस होते भी थे, क्योंकि पावर में तो ब्रिटिशर्स थे, तो ना उस टाइम पे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, बेवकूफ बना रहे थे, बस कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टी ओनर, टैक्स पेयर्स और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो थे वही वोट कर पाते थे, मेनली अमीर लोग ही वोट कर पाते थे जिनको ब्रिटिशर्स चाहते थे। ये मुस्लिम लीग जो बनी थी इसको खुश कर रहे थे, मोहम्मद शाह थे, और जिन्ना जो थे वो समय कांग्रेस में थे और वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे कि ये जो पता नहीं कैसे दिमाग खराब है, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही है, इससे डिवाइड हो गए लोग। भाई अभी तक तो जिन्ना वो समझदार, और उसके बाद मेरे ख्याल से धीरे धीरे जब उसको दिखेगा कि भैया मेरे को पावर चाहिए, मुझे टॉप का बनना है, वो लालच आ जाएगा, तब वो राइट और रॉन्ग को में डिफरेंशिएट करना भूल जाएगा। कहते हैं ना, लालच से मति भ्रष्ट होती है, वो भ्रष्ट होएगी और ये चला जाएगा मुस्लिम लीग पार्टी के अंदर कि भैया वहाँ तो मेरे को पूरा एक कंट्री भी मेरे को मिल जाएगी, मैं तो वहाँ पे इतना वो ताकतवर हूँ, यहाँ पे मेरे को स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी क्योंकि और भी इतने अच्छे ग्रेट लीडर्स हैं, तो वहाँ पे तो भैया कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो पावर के लिए चक्कर में ये करेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने एक क्या छोटी सी चाल चली हिंदू मुस्लिम वो बंगाल के एरिया में, और मतलब दिलों के अंदर खटास हो है तभी उनकी ये चाल चली,
सक्सेस मिली के ऊपर, रिलीजन के ऊपर उन्होंने वो चाल चली और रिलीजन के ऊपर जो है इन्होंने अपना गेम, गलती तो ये मुस्लिम लीग की थी जो पहले अपनी मुस्लिम लीग, उनकी सोच गड़बड़ थी कि उन्होंने पहले कहा कि हमें मुस्लिम लीग बनानी है, फिर भैया इलेक्शन में कितना, मैं तो सोचूं कितना गलत बोल रहे हैं कि जो हमारे एरिया की मेजॉरिटी है वहां पे हमारा ही रिलीजन का बंदा खड़ा होएगा और हमारे ही रिलीजन वाले वोट करेंगे। बाई गॉड कौन सी जगह पे ऐसे होता है, सब इक्वल वोट करेंगे, कोई भी खड़ा हो सकता है, तुम किसी को भी वोट दो, जो जीतेगा चाहे वो मेजॉरिटी का हो माइनॉरिटी का हो वो बनेगा। भाई देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जो भी डिसीजंस हुए थे चाहे उस वक्त उन्होंने जो भी डिसाइड किया हो, मगर जैसे ही आपको इंडिपेंडेंस मिली है यू कैन ओवर रूल एंड गो इन वन डायरेक्शन, जैसे बांग्लादेश ने किया था। बांग्लादेश वॉज ऑल्सो सेक्युलर, जो वो पार्टीशन है वो भी सेक्युलर था, बाद में उसने चेंज कर दिया। तो इवेंचुअली जब भी आपने जब देख लिया कि चलिए आपको लैंड मिल गई है, देन यू गो योर वे। करना चाहिए था, इंडिया को भी कर देना चाहिए। लुकिंग एट द फ्यूचर क्या होने वाला, देख लो फ्यूचर कितना गड़बड़ हो रहा है। किसी ने फ्यूचर देखा? दे डिडंट सी इट। पार्टीशन करने के बाद भी कौन सी सिचुएशन ठीक हो गई? अभी भी इंडिया में हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है ना, तो हमारे कंट्री में तो कुछ सुधार हुआ ही नहीं, हमें तो नुकसान ही हो रहा है पार्टीशन के बाद भी। हमारी फैमिली से लोग आते हैं सिमिलर टू दैट, पूरे दिल्ली में भरे पड़े हैं, हरियाणा के एरिया जो आप बोलते हैं, हरियाणा में पंजाबी बेल्ट है, वो सारी बेल्ट जो है वही लोग हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको लेके यहीं पर। और ये अगर आप, अगर हम लोग अपने ग्रैंड फादर्स वगैरह से बात करते हैं, वो तो कहते थे कि वहाँ पे सारे हिंदू थे। उसके बाद जब आक्रमण होता रहा, इन्वेडर्स आते रहे, तो उतने सालों में जो कमज़ोर लोग थे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। जहाँ पे 100% हिंदू थे वहाँ पे सिर्फ 30% हिंदू रह गए थे हमारे एरियाज़ में। हमारे एरियाज़ वहाँ पे है जहाँ पे, जहाँ से भगत सिंह भी आते हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि कहाँ 100% से ओनली 30-35% बच गए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। वो 35 सोच लो, और वो 35 स्ट्रॉन्ग थे जो इतने सालों में, 400 साल 500 साल में भी कन्वर्ट नहीं हुए, और सारे अराउंड जो हैं सब कमजोर कन्वर्ट हो गए। मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में जहाँ को रहता है वो देख रहा है कि मेरे चारों ओर सिर्फ 35 बच्चे, सबके सब कन्वर्ट हो गए, सब हिंदू थे, सब इन्वेडर से आके एवरीबडी कन्वर्टेड, जो बच गए फाइनली, जो बच मतलब जो जिंदा रह गए वो थे जो थोड़ा पार्टीशन जल्दी आ गए थे, 13 अगस्त को आ गए, 14 अगस्त, जो 15 तारीख को आया कोई नहीं बचा। बहुत ही कम लोग हैं जो 15 को बचे हैं, मोस्टली वही हैं जो एक दिन पहले आ गए, दो दिन पहले आ गए, जिनको लगा कि अब जल्द जल्दी चलो, ओनली दे सर्वाइव इट वॉज सच। और एक दिन के अंदर अंदर मतलब आप देख सकते हैं करोड़पति से जीरो, वो तो है सीधा जीरो सड़क पे, एक छोटा सा कमरे में सब बच्चों के साथ zero. मेरी दादी दादाजी जो हैं वो रहे हैं right. इतने बच्चों के और साथ किन घरों में रहे थे? गरीबी में, उन लोगों के घरों में जो यहाँ से छोड़ के गए हैं, और वहाँ तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था yeah. और यहाँ आके एक कमरा दे दिया right. था। ये तो मैं तो देखती हूँ, मैं तो अमेज्ड होती हूँ कि मेरे पापा ने इतनी स्ट्रगल करके, देखो अपने आप को कहाँ, जीरो से पे आए थे पापा ने, खुद पढ़ाई करके सब करके। ये होती है, वैसे बता रहा हूँ, जैसे हम जब आए थे हमारे ग्रैंडफादर वगैरह, उनको इन अकॉर्डेंस विद जितनी वहाँ प्रॉपर्टी थी, अगर पेपर थे प्रूफ करके, बहुत कुछ दिया था, मगर जो बिजनेसमैन है वो एक दिन में बिजनेस नई जगह पे नहीं कर सकता। नहीं, मेरे दादाजी का तो बहुत स्ट्रगल हुई है, कांट डू बिजनेस एक दिन में आके। इन लोगों को तो मिल गई थी जमीन, हमारी तो टोटली डिफरेंट स्टोरी थी। दादी बताती है कि इतनी जमीन थी, सब था, पर क्योंकि इतना समझ नहीं थी, कुछ नहीं वो कर पाए, तो वैसे तो छोटा सा कमरे में रहे हैं कितने टाइम तक। उस जमाने में हमारे ग्रैंडफादर बैंकर थे, उनका अपना बैंक था, जब यहाँ पे आए हैं बैंक नहीं चल पाया, कुछ नहीं होता, इवेंचुअली आपकी हर चीज जो है जीरो पे हो गई, एवरीथिंग वेंट टू जीरो, क्योंकि अब नई जगह में आप ऐसा एक दिन में अंदर ये सब नहीं कर सकते। तो बहुत लोगों का जो स्ट्रांग थे बहुत जबरदस्त लॉस हुआ था, बिल्कुल जस्ट फॉर बीइंग स्ट्रांग। और जिन्ना का भी देख लो, पहले हिंदू थे इसके एंसेस्टर्स, और कैसे जो है ये भी कन्वर्टेड ही हैं, ये कोई एक्चुअल ओरिजिनल जैसे कहते हैं वहाँ के मुस्लिम्स ने, कन्वर्टेड ही हैं, और ऐसे लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया रिलीजन के नाम पर, सोचो। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।